फ्रेंड्स, ये तीसरी या चौथी सदी ईस्वी की बात है कि इंग्लैंड के किसी इलाके में एक काफला भटक गया। उस काफले में 17-18 आदमी थे। मुसीबत ये थी कि उस काफले का सरबरा बीमार पड़ गया था और असल रास्ते का अलम उसी को था। जब वो बीमार पड़ा तो काफले वाले भटक गए, क्योंकि अब रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। मजबूरन काफले वालों ने एक जगह पड़ाव डाला। वहाँ उन्हें एक अजीब सा बड़ा पत्थर देखने को मिला। ये एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसमें जगह जगह सुराख थे। उस वक्त बारिश भी शुरू हो गई। काफले वालों ने बारिश के पानी को पीने के लिए जमा कर लिया, क्योंकि पानी उनके पास खत्म हो चुका था। ये पानी काफले के सरबराह को भी पिलाया गया, जो उसी पत्थर के सुराखों से बहकर आ रहा था। काफले का बीमार सरबराह उस पानी को पीने के बाद जल्द ही ठीक हो गया। उसका बुखार उतर गया और जिस्म में तवानाई भी आ गई। काफले वालों ने जब गौर किया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये शिफायाबी बारिश के पानी की नहीं बल्कि उस पानी में है जो उस पत्थर से छूता हुआ आ रहा है। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने सारे बर्तन उसी पानी से भर लिए और काफला मंजिल की तरफ रवाना हो गया। यहाँ आकर उन्होंने कई मरीजों पर उस पानी को आजमाया और वो सब हैरत अंगेज तौर पर ठीक हो गए। आसपास के इलाकों में उस पत्थर की शोहरत फैल गई। लोगों ने इस पत्थर को क्राइस्ट का पत्थर यानी मसीहा पत्थर का नाम दिया और इंतहा ये हुई कि 14वीं सदी तक उस पत्थर की परस्तिश शुरू हो गई। मरीजों के काफले हमदिया अशार गाते हुए उस पत्थर के पास जमा होते, उस पत्थर को साफ पानी से नहलाया जाता और उस पानी को लोगों में तकसीम कर दिया जाता। वो मरीज उस पानी को दवा के तौर पर इस्तेमाल करते और हैरत की बात ये थी कि उस पानी से शिफायाबी हो जाती थी। ये या तो अकीदे के मजबूत होने की बात थी या वाकई उस पत्थर में कोई ऐसी खास बात थी। जब उस पत्थर की परस्तिश की वबा बहुत ज्यादा आम होने लगी तो चर्च ने एक कानून मंजूर कराते हुए उस परस्तिश पर पाबंदी लगवा दी। काफी अरसे बाद सर नॉर्मन लॉकर और जेराल्ड हॉकिंस ने उस पत्थर पर रिसर्च की। इन रिसर्चर्स का ख्याल था कि शायद उस पत्थर में गंधक वगैरह की आमेजिश है या ऐसा कोई और अंसर है जिसकी वजह से उस पत्थर में शिफायाबी की खसूसियत पैदा हो गई है, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आ सकी। उस पत्थर की अब पूजा तो नहीं की जाती, लेकिन वो पत्थर आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। उस पत्थर में शिफायाबी की खसूसियत भी मौजूद है। ये पत्थर कहाँ से आया, इसे कौन लाया, ये आज भी एक मिस्ट्री है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।